अस्सलामु अलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन गुडीज बाय शैनी। आज हम बना रहे हैं फ़िश मसाला करी और ये बहुत मज़े की बनेगी। और घर में जो अवेलेबल मसाले होते हैं, सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हम ये उससे बनाएंगे, लेकिन फिर भी ये बहुत मज़े की बनने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। फ़िश मसाला करी बनाने के लिए मैंने फ़िश को पहले ही धो लिया था और इसको बिल्कुल खुश कर लिया है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें मैंने डाल दिया है लेमन जूस और ये है हल्दी और नमक। इन दोनों को मैंने आपस में मिक्स किया है इसलिए कि ये दोनों इक्वली ही हर पीस पे अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सारा मसाला। और हर पीस पे आपने ये मसाला अच्छी तरह से लगा लेना है। सिंपल सा मैंने रोहू फ़िश यूज़ की है, आपकी पसंद की जो भी फ़िश हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और 30 मिनट के लिए मैंने फ़िश को ऐसे ही रहने दिया। अब मैंने ऑयल गरम कर लिया है मीडियम हीट पे, ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना है। और इसमें मैं ये फ़िश डाल रही हूँ, इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। और फ्राई करके जो फ़िश ग्रेवी बनती है वो तो बहुत ही मज़े की बनती है। और देखें जैसे ये गोल्डन ब्राउन कलर होता जा रहा है तो मैं इनकी साइड भी पलट रही हूँ। हमें हर तरफ से ऐसे ही अच्छी तरह से पका लेना है अच्छा सा कलर आने तक। आपकी जो भी फेवरेट फ़िश हो आप इस रेसिपी के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारी फेवरेट जो है वो रोहू फ़िश है तो हम घर में वही यूज़ करते हैं। तो ये फ़िश फ्राई हो चुकी है, जो ऑयल था उसमें से आधा मैंने वापस निकाल लिया है क्योंकि ज़्यादा था। और अब मैंने इसमें डाल दिया है मेथी दाना, ज़ीरा, और अब इसमें डाल रही हूँ हरी इलायची, साबुत लाल मिर्ची, दालचीनी, लौंग और तेज़पत्ता। ये चीज़ें ऑयल में डाल के बस एक मिनट के लिए लो हीट पे इनको पकाना है। इनकी जैसे ही खुशबू आने लगे तो हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज, और प्याज को भी हम पकाएंगे इसके गोल्डन ब्राउन होने तक। ज़्यादा तेज़ गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस जैसे ही एक अच्छा सा कलर आ जाता है तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन का पेस्ट। इसमें अदरक का पेस्ट यूज़ नहीं होता है, गार्लिक का पेस्ट ही यूज़ होता है फ़िश के साथ, इससे फ़िश बहुत मज़े की बनती है। इसको मैंने पका लिया है और हम इसमें मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्ची का पाउडर, गरम मसाला और नमक। ये मसाले भी इसमें डाल के एक मिनट के लिए ही फ्राई करना है, ज़्यादा देर नहीं कीजिएगा, ऐसे मसाले जल जाएंगे। और उसके बाद मैंने इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डाले हैं, इनको सब एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब मैं इसको ढक दूंगी और लो हीट पे मैं टमाटर के सॉफ्ट होने तक इसको पका लूंगी। तो इसमें करीब 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो अब देखें ये टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं और इनका पानी भी खुश्क होने लगा है। अब मैं मीडियम हीट पे मसाले को भून रही हूँ तब तक जब तक इसका ऑयल निकलने लगे। और अच्छी तरह से भून लेने के बाद देखें ये ऑयल निकलने लगा है साइड से, तो मैंने इसमें पानी डाला है। पानी आप इसमें इतना डालें जितनी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। आप इसमें कम पानी भी डाल सकते हैं, अगर आपको थिन ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक कप डाला है। और अब मैंने इसमें डाल दिया है लेमन जूस और ये डाल रही हूँ मेथी, सूखी हुई मेथी, और मैंने इसको मिक्स नहीं किया है। और ऐसे ही मैं इसको ढक के मीडियम हीट पे पानी को मसाले के साथ 5 मिनट के लिए पका रही हूँ। इससे क्या है कि मसाला पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, पानी भी अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो के सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं। तो अब ये देखें ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, तो अब आप इसकी ग्रेवी देखें थिक हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्राई की हुई फ़िश, ये सारे पीसेस हम इसमें डाल देंगे। और अब आखिर में मैंने इसके ऊपर साबुत हरी मिर्ची डाल दी है और बहुत थोड़ी सी
मेथी के खुश्क पत्ते फिर से डाल दिए, बहुत थोड़े से डाले हैं आखिर में, इनको भी मैं मिक्स नहीं करूँगी। और बस हम इनको ढक के दम पे लो हीट पे 7 से 8 मिनट के लिए पहले पकाएंगे। और जैसे ही 7 से 8 मिनट गुजर गए तो अब मैंने ये ढक्कन हटा के मैंने थोड़ा थोड़ा सा मिक्स किया है ताकि मसाला नीचे से जले नहीं और अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें पकती जाएं। और इसके बाद मैंने ये फ़िश पीसेस को भी पलट दिया है ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से ये अच्छी तरह से पक जाएं ग्रेवी के अंदर। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है और उसको ढक दिया है, मतलब दूसरी बार जो हमने पलटा है तो उसको पकाना नहीं है, बस ढक के आपने ऐसे ही 10 मिनट के लिए रख देना है। और हमारी ये मज़ेदार सी फ़िश मसाला करी बिल्कुल तैयार है। देखें आप इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है और फ़िश का कलर भी कितना अच्छा आया है, मसाले का कलर भी कितना अच्छा आया है। और इसमें सारे मसाले बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं, इनका हर एक का जायका बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, हल हो चुका है। और अब आप इसको सर्व करें चावल के साथ या रोटी के साथ, ये दोनों के साथ ही मज़े की लगती है। ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारी मज़ेदार सी मसाला फ़िश फ्राई या फ़िश मसाला करी बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे आती रहती हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।